तो यह हमारा मल्लीताल रिक्शे वाले। तो इन दिनों में दोस्तों सस्ते होटल बहुत मुश्किल कर सकते हैं अगर आप लोग टाइम पास करना चाहते हैं, जहाँ से झील में बैठने के लिए, खाने के लिए यहाँ देते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में कुछ बताने वाला हूँ स्पेशल बातें। तो जैसे गाइस आप लोग देखते हैं भैया नैनीताल में घूमने के लिए आ रहे हैं, काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग कह रहे हैं भैया शताब्दी दिन में तो बिल्कुल भीड़ नहीं हो रही है, शाम को अचानक कहाँ से आ रही है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो दिन में दोस्तों लोग बस सुबह ही निकल जा रहे हैं नैनीताल के आसपास की लोकेशन, जैसे अपना भीमताल हो गया, अपना मुक्तेश्वर साइड हो गया, अपना घोड़ाखाल टेंपल हो गया, अपना नीम करौली बाबा का आश्रम हो गया, कैची धाम मंदिर और कुछ अपना रानीखेत पॉइंट हो गया। तो सुबह लोग वहाँ निकल जा रहे हैं घूमने के लिए, फिर आ रहे हैं दोस्तों शाम को। तो शाम को इसी मारे भीड़ हो रही है कि लोग बाहर घूम घाम के जो है नैनीताल आ जा रहे हैं। और नैनीताल में बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, शाम को इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है ना दोस्तों, बहुत ही मज़ा आ रहा है घूमने में। तो उसी के साथ चलते हैं, दिखाते हैं भैया नैनीताल में आज कैसी धूप निकल रही है और कैसा मौसम है, उसी के साथ होटलों के क्या प्राइस हैं और होटल मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपनी वीडियो और दिखाते हैं भैया नैनीताल की फुल इन्फॉर्मेशन। तो यह है हमारा मल्लीताल रिक्शा स्टैंड, जहाँ से रिक्शा मिलती हैं मल्लीताल से तलीताल के लिए, और यहाँ से जो है दोस्तों शाम को होती है नो एंट्री 6 से 8 के लिए। तो ये बैरियर यहाँ पे जैसा भी आपको जो नज़र आ रहे हैं लंबे लंबे लगे हुए, तो यहाँ पे जो है ऐसे हो जाते हैं, तो देखिएगा। और यहाँ पे यू टर्न करना सख्त मना है, चालान है दोस्तों, अगर आप लोग यू टर्न कर रहे हो और आप लोगों को किसी ने भी पकड़ लिया आपका चालान हो जाएगा, तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ पे देखिएगा नैनीताल उत्तराखंड पुलिस आप लोगों की सहायता के लिए खड़ी है, अगर आप लोग कोई गलत काम नहीं करेंगे ना तो भाई साहब आपको फुल इन्फॉर्मेशन भी देंगे। आपको कहीं भी जाना है, आपको कोई भी नैनीताल के बारे में अपडेट लेनी है तो आप लोगों को सर जी बताएंगे, तो देख सकते हैं। और ये जाता है रास्ता अपना दोस्तों तलीताल के लिए, और ये जो ट्रैफिक आपको जाते हुए नज़र आ रहा है ये जा रहा है अपना पार्किंग साइड में, कुछ लोग जो हैं एग्जिट कर रहे हैं, कुछ अपनी पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आज दोस्तों काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है इधर साइड में देखिएगा, और अपना सस्ते बाजार साइड में भी देख सकते हैं आप लोग। और ये हमारी नैनीताल मल्लीताल की नई पुलिस चौकी बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे मैडम भी बैठी हैं जो यहाँ पे ड्यूटी करती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो थोड़ा बहुत आराम कर रही हैं, सुबह से बेचारी थक गई थी। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग खड़े हैं और सारे जो हैं ये टूरिस्ट हैं यहाँ पे, ये देखें। और ये ढूंढ रहे हैं होटल सस्ते वाले। तो इन दिनों में दोस्तों सस्ते होटल बहुत मुश्किल है मिलना, पर ज़्यादा महंगे भी नहीं है, नॉर्मल प्राइस में आप लोगों को मिल सकते हैं। पर काफ़ी लोग जो हैं दोस्तों बहुत ही सस्ते होटल देते हैं, पर यह ज़्यादा सस्ता इन दिनों में तो बहुत ही इम्पॉसिबल है आपको होटल मिलना। तो नीचे वाली रोड से आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक हमें आते हुए नज़र आ रहा है, आप भी देख सकते हैं यहाँ पे। उसी के साथ धूप देख सकते हैं आप लोग कितनी तेज़ों से धूप निकल रही है, और चमक धमक वाली धूप है आप देखें यहाँ पे। उसी के साथ आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लगता है सस्ता बाज़ार, जिसका जिसे बोला जाता है फुटपाथ मार्केट। तो यहाँ पे जहाँ पे दुकानें लगती हैं, तो यहाँ पे लोग बाहर देखिए किस तरीके से यहाँ पे बैठे हैं, और जगह जगह पे यहाँ पे ना बैठने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा बनाई गई है। तो आपको जो सामने लोग बाहर नज़र आ रहे होंगे बैठे हुए, और ये सारे टूरिस्ट हैं यहाँ देखो ना। अगर आप लोग भी घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर सस्ते बाज़ार में घूमने जाते हैं और आप लोग थक गए हैं और आपको बैठना है, तो आप लोग इस तरीके से चेयरें आपको नज़र आएंगी, आप लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो अगर चेयर खाली नहीं है तो उसके बराबर में रैली है, तो आप लोग रैली भी बैठ सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर देखें। और यहाँ पे लगती है अपनी सारी दुकानें, जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सस्ता यहाँ पे सामान मिलता है। उसी के साथ देखें हरियाली कितनी खूबसूरत यहाँ से लग रही है, और सामने देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा हमें लग रही है, इन्हीं पेड़ों से आ रही देखो ना। और मैं आपको सूरज दिखाता हूँ कितना चमक चमक वाला सूरज है सामने, और भाई साहब सूरज के सामने तो 2 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते। और नीचे देखिए यहाँ पर जो काफ़ी ठेले लगते हैं अपने, बन टिक्की मैगी चाउमीन चाय वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। अब आ गए हम बोट स्टैंड पे, जहाँ से झील में बैठने के लिए टिकट वगैरह मिलता है बोटिंग के लिए, पर यहाँ पे आज इतनी भीड़ नहीं है जितनी कल भीड़ थी। और यहाँ पे अगर आप लोगों को पहाड़ी ड्रेस में फ़ोटोग्राफी करनी है तो आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर देखिए। पर ज़्यादातर लोग बाहर यहाँ पर खड़े ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए यहाँ देते हैं, क्योंकि नीचे ऊपर देखिएगा पेड़ कितना अच्छा लगा, उसके नीचे देखें लोग बाहर ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए खड़े हैं। और यहाँ पे है टिकट काउंटर, जो फुल चक्कर का अपना 420 रुपये है और हाफ चक्कर अपना 320 रुपये है। इधर देखें आप, लो भैया सामने आ रहे एक कपल देखो भैया, ये देखें आप,
अगर आप लोगों को भी इस तरीके से कपल बन के फोटोग्राफी करनी है तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं पहाड़ी ड्रेस में फोटोग्राफी। आप लोग नैनीताल में बच्चों के साथ आ रहे हैं और आपको बच्चों को जो है यहाँ पे मस्ती करनी है, एडवेंचर करना है, तो आप आ जाइए चिल्ड्रन पार्क में। तो ये झील के पास में ही है और अपने सस्ते बाज़ार के पास में और कैपिटल सिनेमा हॉल के सामने ही आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दो बच्ची झूला झूलते हुए आप लोगों को नज़र आ रही हूँ, उसी के सामने देखिए आगे वाले झूले में भी बच्चे झूल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं यहाँ पे, आप लोग बैठना चाहें, मस्ती करना चाहें, तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से बच्चों के साथ। और यहाँ पे कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, फ्री एंट्री है, आप लोग यहाँ पे बच्चों के साथ मस्ती कर सकते हैं। अगर आप लोग टाइम पास करना चाहते हैं तो टाइम पास के लिए भी बहुत बढ़िया जगह, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा का आनंद यहाँ से ले सकते हैं। इसी के बराबर अपने कैपिटल से माहौल नैनीताल में आज दोस्तों पता नहीं क्या हुआ, टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहा। जो ये आप सामने देख रहे हैं ना, 25% इस टाइम टूरिस्ट है नैनीताल के अंदर। और यहाँ पर शाम को इतना भीड़ हो जाती है ना, इतनी भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। पर क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि भैया लोग बाहर जो है ना सुबह ही निकल जाते हैं आजकल घूमने के लिए, ट्रैफिक से बचने के लिए। पर दिन में इतना ट्रैफिक नहीं लग रहा है, रोड भी बिल्कुल खाली पड़ी है। और सामने देखिए पार्किंग में आराम से अपना गाड़ी लगा सकते हैं इन दिनों में आप लोग। और अभी आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा तिब्बत मार्केट साइड में, उधर दिखाते हैं भैया उधर क्या चल रहा है। ये अपनी DSA पार्किंग आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है, आज बिल्कुल भी जाम नज़र नहीं आ रहा है आपको सामने, जो मेरी उंगली के सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए गाड़ी आराम आराम से चलते हुए आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। और जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को जाम नज़र आता आज इतना बिल्कुल भी जाम नहीं है। उसी के साथ पार्किंग में भी देखिए काफ़ी स्पेस हमें नज़र आ रहा है। उसी के साथ देखिए बाइक भी इतनी नहीं खड़ी हैं और बाइक यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी भर जाती हैं, काफ़ी स्पेस है बाइक पार्किंग का भी यहाँ पे। उसके बाद आ गए हम भोटिया इन तिब्बत मार्केट के साइड में। तो यहाँ पे तो देखिए काफ़ी भीड़ है यार, और यहाँ पे ज़्यादातर जो भीड़ आ रही है रेस्टोरेंट साइड में देख सकते हैं आप लोग। ये अपना नैनीताल का काफ़ी अच्छा मार्केट है, यहाँ पे तिब्बत एंड भोटिया मार्केट भी है और अपना चाट मार्केट भी है। तो यहाँ पे देखें और काफ़ी भीड़ है रेस्टोरेंट साइड में। और अपना इसी के साथ हम आपको तिब्बत मार्केट साइड में भी देखिएगा दिखाते हैं भैया, इधर भी भीड़ नज़र आ रही है। उसी के साथ भोटिया मार्केट में इतनी भीड़ नहीं है, देखो भैया इधर देखिए पूरे खाली पड़ी है मार्केट, उधर साइड में देखें। तिब्बत एंड भोटिया मार्केट के बराबर में अपना दोस्तों नैना देवी मंदिर, और नैना देवी मंदिर का मेन गेट है ये। और जिस किसी को भी दर्शन करने के लिए आना है तो आप लोग भोटिया एंड तिब्बत मार्केट आइए, उसी के बराबर में नैना देवी मंदिर का मेन गेट है। तो सामने आप लोग देख सकते हैं माँ नैना देवी मंदिर सामने आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, और यहीं से आपको एंट्री करना है। देखिए तो यह है मेन गेट, और यह वाला रास्ता जाता अपना ठंडी रोड की तरफ को, जो अभी आपको दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं नैनीताल की सबसे ठंडी रोड। देख सकते हैं दोस्तों ठंडी रोड का जो है मेन गेट बनना है यहाँ पे, तो काफ़ी पहले जो है ये टूट गया था, अब जो है बनी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ से हम जो है करेंगे एंट्री, तो यहाँ पे गाड़ी जाना सख्त मना है, यहाँ से आप लोग गाड़ी नहीं लेके जा सकते। तो यह है दोस्तों नैनीताल का सबसे ठंडी रोड, और बहुत ही यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आती है। आप लोग किसी मौसम में भी आओगे ना, आपको यहाँ पर हमेशा ठंडी ठंडी हवा खाने की नहीं मिलेगी। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म मौसम हो रहा है नैनीताल के अंदर भी, पर यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि भाई नैनीताल में भी गर्मी होने लगी, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ठंडा मौसम रहता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप लोगों को ठंडी रोड साइड से बोटिंग करनी है तो आप लोग यहाँ से भी बोटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है बोटिंग करने वालों की, देखें तो काफ़ी लोग जो है बोटिंग करके आ रहे हैं, और काफ़ी टूरिस्ट जो है बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिएगा काफ़ी लेक यहाँ पे सूख चुका है, और यहाँ से भी अपना बोटिंग करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से बोटिंग कर सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों को आना पड़ेगा नैना देवी मंदिर के बराबर में से रास्ता गया ठंडी रोड की तरफ को, और ठंडी रोड से जैसे आप लोग जाएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में ही एक बोट स्टैंड नज़र आएगा, और यहाँ से आप लोग बोटिंग करना चाहें तो आप लोग बोटिंग कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर अपना नैना देवी के दर्शन करना चाहें तो आप लोग यहाँ से नैना देवी के दर्शन भी कर सकते हैं। और उसी के साथ देखिएगा लेक के ऊपर काफ़ी मछली आ गई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी सामने, देखो
उसी के साथ यहाँ पे देखें एक बोट स्टैंड ये भी है, तो एक बोट स्टैंड सामने है, जैसे अलग अलग यहाँ पे ना बोट स्टैंड बना दिए गए हैं तो यहाँ पे भी है। अगर आप लोग यहाँ से बोटिंग करना चाहते हैं और आपको ठंडी ठंडी हवा खाना है तो आप लोग आ सकते हैं। नैना देवी मंदिर के बराबर में से रास्ता गया है ठंडी रोड साइड को, और इधर से आप लोगों को एक सामने ही बोट स्टैंड नज़र आएगा। अगर आप लोगों को यहाँ से बोटिंग करना है तो आप लोग यहाँ से बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे तो लोग बार यहाँ पे देखिए काफ़ी खड़े हैं, यहाँ पे बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ पे भैया देखो वीडियो गेम खेल रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी हवा आ रही है यहाँ से, और यहाँ से पूरा लेक का नज़ारा भी देख सकते हैं आप लोग, और इधर साइड में नैना देवी मंदिर भी देख सकते हैं आप लोग। फाइनली दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा मैंने आज के ब्लॉग में आप लोगों को क्या दिखाया, तो उसी के साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर अपने ब्लॉग में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग नैनीताल में घूमने आना चाहते हैं और संडे सैटरडे फ्राइडे में घूमने आना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपना होटल बुक करने की कोशिश करिएगा। उसी के साथ अगर पार्किंग वाला आप लोगों को मिल जाए तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। अगर आप लोगों को वैसे ऑनलाइन भी पसंद नहीं आ रहा और किसी के थ्रू भी आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो जाइए इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी को फॉलो करिए शताब नैनीताल, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अपना मांग सकते हैं, पर आईडी को फॉलो ज़रूर कर लेना। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर मांगने के बाद मुझसे बात करिएगा, और कोई भी नैनीताल के होटल के बारे में आप फुल इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। भैया होटल जौन सा होटल आप लोग पूछेंगे वो कहाँ पे है मैं आप लोगों को बताऊंगा। भैया जौन सा होटल आप लोग पूछ रहे हैं वहाँ पे है, वहाँ पे सब कुछ बहुत पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जो भी मेरे इस वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को यहीं पर करते हैं दोस्तों एंड।